कभी वो जमाना था जब रसूखदारी और दादागिरी के दम पर गांव की आबो हवा में गरीब और पिछड़ों का सांस लेना मुश्किल था, लेकिन अब कहाँ। अब तो कानून का डंडा और न्यायालय का आदेश चलता है। न जमींदारी काम आती है न रसूखदारी। कानून तोड़ने पर सलाखों के पीछे दिन भरने होते हैं। मामला कुछ यूँ है कि मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर शहर ग्राम बगदरी में जहां गांव के ही एक दबंग रसूखदार के सर पर कुछ इस कदर राजशाही हावी हुई कि इस दबंग साहब ने सरकारी पंचायती भवन पर ही जेसीबी चला मारी। हम आपको बता दें कि इस मामले के बाद रसूखदारी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब गाँव वालों ने विरोध करना शुरू किया। मामला जनहित का था, लिहाजा हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और फिर नगरीय प्रशासन ने संज्ञान में आया। नगरपालिका सीएमओ ने इस मामले में खुद सरकारी संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है। आपको बताते चले कि दबंग मोहन पटेल का मानना है कि उसके परिवार ने ये जमीन दान में दी थी, अब उसे वापस चाहिए। खैर, मामले में गांव वालों की ही जीत हुई है। थाने पर दबंग मोहन पटेल और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ ही मामले में जेसीबी की जब्ती के भी आदेश जारी हुए हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। रोल बताइए सर, ये जो मामला हुआ है एक जेसीबी चालक द्वारा और एक मोहन पटेल नाम के दबंग ने जो है सरकारी पंचायत भवन ग्राम बरदरी में तोड़ा है, क्या मामला है, क्या पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है सर? ग्राम बरदरी में पंचायत भवन को बिना अनुमति के, बिना किसी जानकारी के मोहन पटेल द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। इस संबंध में थाना सेक्टर 1 में 3-4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम एवं 427 447 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जेसीबी वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसको जेसीबी जब्त की जाएगी। जी धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।